इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी भोले भाले युवकों को हनी ट्रैप मामले जैसे फंसाकर उनको ब्लैकमेल किया करता था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के आईजीपी और इंदौर के डीआईजी के निर्देशन में पुलिस द्वारा प्रतिदिन शाम को क्षेत्र में पैदल भ्रमण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत थाना विजयनगर में पुलिस टीम द्वारा पैदल भ्रमण के दौरान क्षेत्र के कैफे एवं पब के आसपास पेट्रोलिंग की जा रही थी। इसी दौरान जानकारी मिली कि थाना एमआईजी का लिस्टेड गुंडा छोटा आदिल, जो कि सलमान गैंग का है, विजयनगर क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना पर पैदल भ्रमण कर रही टीम द्वारा घेराबंदी कर एक स्थान पर दबिश दी गई, जहां पर आदिल पिता सलीम उम्र 27 वर्ष निवासी छोटी खजरानी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसके कब्जे से एक नाबालिग बालिका को मुक्त कराया गया। ये भी आईजीपी साहब, डीआईजी साहब द्वारा पैदल भ्रमण क्षेत्र में करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके तहत थाना विजयनगर की टीम जो पैदल भ्रमण कर रही थी, कैफे के आसपास घूम रही थी, तब उसे एक युवक कुछ लोगों के साथ मिला था, जो पूछताछ पर पता चला कि वो छोटा आदिल है, जो एमआईजी क्षेत्र का लिस्टेड गुंडा है, और जो सलमान है उसका दाहिना हाथ है। इनसे जब पूछताछ की, पता चला इसके कब्जे से एक नाबालिग युवती भी मिली, जिसे हमने मुक्त करवाया है। बयान लेके बाद में इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है 363 पास्को एक्ट का। ये इसी प्रकार की गैंग है जो सलमान अपने 5-7 साथियों के साथ मिलकर चलाता है, जिसमें जो छोटी उम्र के, कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनसे तो ये शराब और जो पोड़िया वगैरह वो बिकवाते हैं, और जो बड़े होते हैं, जो जिनके संपन्न परिवारों से होते हैं, उन लोगों के बच्चों को ये इसे नशे से लत लगवा देता है, या फिर बाद में किसी लड़की के साथ फ़ोटो वोटो करवा के उनको पैसे हटता रहते हैं उनसे, ये गैंग। तो इसी को में अरेस्ट किया गया है। सर, 2018 में सलमान एक ने विजयनगर थाने को बनाने की धमकी भी दी थी। नहीं, वो एमआईजी थाने में को दी थी उनने, जब उसको सिद्धू को पकड़ा था, तब उनने इस टाइप के कागज़ वगैरह जो ले के गए थे, उसको सिपाही को ने कागज फाड़ दिए थे और धमकी दी थी, तब उसको पकड़ कर उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई। ये आरोपी छोटा खजरानी थाना एमआईजी क्षेत्र का रहने वाला है। व्यक्तियों को कैफे के आसपास रेकी कर सुनियोजित तरीके से अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे डरा धमका कर अवैध वसूली करते हैं। यह कम उम्र के गरीब बच्चों से शराब और नशा बिकवाते हैं और कम उम्र के अमीर टीनेजर्स को नशे की लत लगाकर उनसे वसूली करते हैं। इस गैंग के मुखिया सलमान तथा अन्य सदस्य सिद्धू दाऊ उर्फ विकास, शुभम, रवि शराब और एनडीपीएस के केस में थाना विजयनगर से जेल में है। आरोपी छोटा आदिल के विरुद्ध आबकारी एक्ट तथा पॉस्को एक्ट की कार्यवाही की गई है। पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट।